आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में हरि बोल सेवा समिति की ओर से महालक्ष्मी मंदिर यमुना तट बल्केश्वर छठवां सामूहिक एकादशी उद्यापन आयोजित होने जा रहा है, जिसकी जानकारी संस्था की संस्थापक ममता सिंगल के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। आपको बता दें, हरि बोल सेवा समिति की ओर से छठवां सामूहिक एकादशी उद्यापन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। 13 दिसम्बर को मेहंदी प्रतियोगिता, 14 दिसम्बर को दीप जलाकर एकादशी कथा का आयोजन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं बुधवार 15 दिसंबर को हवन एवं आरती के उपरांत 2 बजे से प्रभु इच्छा तक भंडारा चलेगा एवं कार्यक्रम का समापन होगा सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में। 151 जुड़े जो दूर दूर से हरि बोल सेवा समिति के छठवें में एकादशी उद्यापन समारोह में सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं कोरोना के चलते कार्यक्रम को छोटा रूप प्रदान किया गया है। कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरि बोल सेवा समिति ने प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम की दी जानकारी। हरि बोल सेवा समिति का छठवां सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह, समारोह में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह में 151 जोड़ी भाग लेंगे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मैं निशा सिंगल, कार्यक्रम संयोजक हूँ। हमने मतलब एकादशी का उद्यापन छठवां सिस्टम वाला हो रहा है, कोरोना का इसमें मतलब खास ख्याल रखा है और गाइडलाइन के चलते ही इसमें हम कार्य करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर और हर बात का मतलब ख्याल रखेंगे। इसमें कोरोना का मतलब खास सुविधा की है। पूना से, सूरत से, चंडीगढ़ से, तुम्हारे धौलपुर से, मनिया से, खैरागढ़ से, फतेहपुर सीकरी से, भरतपुर से, सब लोग ऐसे हैं सर। जोधपुर से भी आ रहे हैं, मतलब सब तरह से लोग आ रहे हैं। जिनके वास्तव में करने वाले कम हैं और पैसा बहुत है, लेकिन करने वाले ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा ये कार्यक्रम में विशेष क्या होगा? विशेष तो यही है कि भाई जो लोग करने आ रहे हैं, हम लोग उनकी सेवार्थ में लगे हुए हैं। किसी तरीके से अच्छा प्रोग्राम हो जाए, 151 परिवारों को आना और उनका सुचारू रूप से घर पहुंच जाना, ये सबसे बड़ा भंडारा, सबसे बड़ा कार्यक्रम से पूरी तैयारी, टेंट की, बिजली की, कोविड को लेकर पूरी तरह दूरिया को पालन करा जाएगा। दूरी दूरी पर चौकियाँ लगाई जा रही हैं, दूरी दूरी पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। एक साथ आसपास में 5 मीटर की दूरी कम से कम रहेगी। हरि बोल सेवा समिति अध्यक्ष, क्या कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम है? कार्यक्रम जो है हरि बोल सेवा समिति के बैनर तले छठवीं बार महा एकादशी उद्यापन का एक कुंभ लगने जा रहा है महालक्ष्मी मंदिर के अंदर। यह उद्यापन इस तरह का है, जिन महिलाएं बाहर से कहना उनके बच्चे बाहर चले गए, महिलाएं बेचारी अकेली रह गई या महिला वृद्ध हैं, अपना एकादशी उद्यापन किसी कारणवश नहीं कर पा रही हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं पैसे की तंगी की वजह से भी अपना एकादशी उद्यापन उनका नहीं हो पा रहा है। जिनकी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, इनकी बेटियाँ करा रही हैं, बेटियाँ उनके सहारे खड़ी हुई हैं, पैसा उनके पास है, महिलाओं पर उनके पास करने वाला कोई नहीं है। उनका एकादशी उद्यापन की उनकी बेटियाँ उनका सहारा खड़ी होकर यह एकादशी उद्यापन कराने जा रही हैं। यह एकादशी उद्यापन जब तक एकादशी उद्यापन नहीं होता है, हमारे गले का फंदा भी नहीं कटता है। एकादशी उद्यापन होना बहुत ज़रूरी है। छठवीं बार एकादशी उद्यापन, आपकी जो 151 जोड़ों का एकादशी उद्यापन होने जा रहा है, इससे पहले 251 महिलाओं तक का एकादशी उद्यापन हो चुका है। एकादशी उद्यापन करने नाम ममता सिंह है, त्रिभु सेवा समिति की संस्थापक। इसमें हमने 151 जोड़ों का एकादशी उद्यापन रखा है, क्योंकि अभी कोरोना के चल रहा है, इस चक्कर में हमने 151 ही किए हैं, क्योंकि हमारे पिछली बार 251 हुए थे इसमें। और इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि किसी कारणवश वो कर नहीं पाती उद्यापन, उनके लिए ये उद्यापन किया है, किसी पैसे के अभाव में, किसी बच्चों के अभाव में या कैसे भी, इस कारण ये एकादशी उद्यापन हमने हरि बोल सेवा समिति द्वारा कर रहे हैं। इसमें 13 तारीख को मेहंदी का प्रोग्राम है और मेहंदी का प्रोग्राम रखा है, शाम को भजन संध्या, खाटू भजन संध्या है, और 14 तारीख को एकादशी उद्यापन है और 15 तारीख को भंडारा है। इसमें हमारे दिल्ली से वक्ता आ रहे हैं राजीव वशिष्ठ जी, वही एकादशी उद्यापन कराएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।